What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sankit Rathi and welcome to Table Topper. देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एयर के बारे में, और क्या पढ़ा था? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के अंदर होता क्या क्या है. ठीक, अब जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है? लेयर्स है. उन लेयर्स को हम पढ़ेंगे. वो लेयर्स क्यों है, कैसे लेयर्स डिवाइड हो रखी है, और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? इस टॉपिक में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, क्यों है ये स्ट्रक्चर. देखिए, स्ट्रक्चर कैसा, ये नहीं कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह है, नहीं. जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज में डिवाइडेड है? वो डिवाइडेड है लेयर्स के अंदर, कि किस लेयर के अंदर कौन सी गैसेज होंगी, किस प्रकार की वह गैसेज होंगी. ठीक, देखिए यहां पर क्या दिखा रखा है, जैसे ये अलग अलग लेयर दिखा रखी हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है. ठीक, फिर क्या है कि एक और है कि आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा डिवाइडेड कर रखा है, कि पांच लेयर्स में डिवाइड कर रखा है. कैसे कैसे कर रखा है, कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है उससे ऊपर ले गए ये पहली लेयर, फिर उसके बाद ये सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फिर फिफ्थ. ये पांच लेयर्स हैं. ठीक, तो क्यों डिवाइड कर रखी हैं ऐसे, कैसे डिवाइड कर रखी हैं, क्यों डिवाइडेड हैं ये ऐसे, क्यों का वाई का रीजन है. वाई का रीजन क्या है, कि जो हमारी गैसेस हैं उनका अलग अलग वेट है. क्या है, जैसे ऑक्सीजन का अलग वेट है और नाइट्रोजन का अलग वेट है, CO2 का अलग वेट है. जो अलग अलग गैसेज है तो उनका अलग अलग वेट होगा. ठीक, तो उस बेसिस पे क्या है कि जो गैसेस हैं वो अलग अलग लेयर्स में क्या है, डिवाइडेड है. ठीक, जो हैवी गैसेस हैं वो कौन सी लेयर में होंगी, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसके अंदर. ठीक, फिर उसके बाद जो है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, फिर मेसोस्फीयर के अंदर, फिर थर्मोस्फीयर के अंदर, फिर एग्जोस्फीयर के अंदर. ये मैंने किस चीज़ के नाम से लिए नाम लिए हैं, ये मैंने नाम लिए हैं किस चीज़ के, लेयर्स के. कौन कौन सी लेयर है, रिपीट करो एक बार मेरे साथ. सबसे नीचे कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, देन एक्सोस्फियर, सॉरी थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर, देन. चलिए, अब एक क्वेश्चन और है कि हाउ दीज आर डिवाइडेड, कैसे डिवाइड कर रखी हैं ये किस कंडीशन के ऊपर डिवाइड कर रखी है. ये डिवाइडेड है किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर के कंडीशन के ऊपर, कि कैसे टेम्परेचर अलग अलग लेयर्स के अंदर कैसा कैसा टेम्परेचर है. ठीक, क्यों डिवाइडेड है, क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि इनका वेट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग लेयर्स के ऊपर है. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपने क्या लिया, वाटर लिया. ठीक, इसके ऊपर आपने क्या डाला, एक ऑयल की ड्रॉप डाल दी, तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर फ्लोट करेगी. क्यों करेगी, क्योंकि ये लाइट है, इससे तो लेयर बन गई ना. तो इसी प्रकार से क्या है कि जो हमारा एटमोस्फियर है उसके अंदर क्या है, लेयर है. किस चीज की लेयर है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, लाइक गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं. कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जिस चीज़ से मिलकर वो चीज़ बनी है उसको क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स. तो एटमॉस्फेयर किस चीज़ से मिलकर बना है, किस चीज़ से मिलकर बना, गैसेज से. गैसेज कौन कौन सी, मेजर गैस कौन सी है, जल्दी बोलो, रिपीट करो. नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ये दो मेजर गैसेज हैं, क्लियर. फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद चलिए आप बताने, सीक्वेंस में आपको ये लगाना है. ठीक, क्लियर ये चीजें. चलिए, अब हम एक एक लेयर को अलग से डिफाइन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, और क्या देखते हैं, कहां कहां तक वो डिवाइड है. ठीक, सबसे पहले कौन सी है, ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर जो अर्थ के बिल्कुल करीब है, जो अर्थ का सरफेस है उसके बिल्कुल पास में है. इसकी हाइट कितनी है, ये है, जैसे ये अर्थ सरफेस है, यहां से 13 किलोमीटर तक तब हम चलेंगे, तो इस ये कौन सी है, ये है ट्रोपोस्फियर. ठीक, एक बार इसकी हाइट वाइज देख लीजिए सारी की सारी. फिर उसके बाद कौन सी है, ये है 50 किलोमीटर तक, कौन सी, स्ट्रेटोस्फियर. ये 50 किलोमीटर यहां से नहीं है, ये पूरा यहां से बेस से 50 किलोमीटर. ठीक, इट मीन्स 13 to 50 किलोमीटर, क्लियर. फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगी, 50 to 80,
क्लियर। फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर कहाँ से, 82 400 किलोमीटर। फिर देन एग्जोस्फीयर। चलिए अब हम इनकी एक एक करके क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज कैसे कि इनके अंदर क्या क्या, क्यों ये डिवाइड कर रखी है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि इनकी विशेषताएं क्या है। ठीक, जो ट्रोपोस्फीयर है ये क्या, लोअर मोस्ट हमें पता है कहां तक एक्सटेंड कर रही है, 13 किलोमीटर। ओके सर। ऑल वेदर फिनोमिनन ऑकर्स इन दिस लेयर, इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ भाई, जो भी क्लाउड्स है, हेल स्टॉर्म है या रेन है, जो बारिश हो रही है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे कहाँ पे मिलेंगे, इस लेयर के अंदर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर वेपर्स होती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी हैवी होंगी। हैवी होंगी तो सबसे नीचे वाली लेयर्स में होंगी। ठीक, सबसे नीचे वाली लेयर में कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर। क्लियर, ओके। फिर क्या, इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब ये क्या है सर जी, तो मेरे बच्चों जो हमारी जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, वो मेनली इस लेयर में मिलेगी। और ऑक्सीजन की वजह से ही क्या है, जो अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, वो एक्टिविटीज जो लाइफ को सपोर्ट करें, इट मीन्स विच सपोर्ट्स द लाइफ, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल हो सके, तो वो जो सारी एक्टिविटीज हैं वो कहाँ पे होंगे, ट्रोपोस्फियर में। क्लियर। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ से कहाँ तक है, 13 to 50। क्लियर। आइडियल फॉर फ्लाइंग प्लेन्स, इट मीन्स जो एरोप्लेन्स होती हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में क्या करेंगी, फ्लाई करेंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस है वो कहाँ तक रहेगी, वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक रहेंगी। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, बिल्कुल जो इन्वायरमेंट होगा बिल्कुल क्लीन होगा। कैसे, वहां पे क्लाउड भी नहीं होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा वहां पे, क्या होगा, बिल्कुल साफ मौसम होगा। इसी वजह से क्या है कि जो एरोप्लेन्स हैं वो अबव 13 किलोमीटर फ्लाई करेंगे। क्लियर। देन मेज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, ओजोन। क्लियर। जो ओजोन गैस है, सॉरी ये इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ई हो रहा है यहाँ पे। ठीक, जो ओजोन गैस है वो कौन सी गैस है, ओजोन गैस ऐसी गैस है जो हार्मफुल रेडिएशन आएंगी सन से, उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक, मैंने जब एयर टॉपिक हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि अलग अलग गैसेज का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो ओजोन गैस की पूरी एक लेयर है यहाँ पे, इस जो ये स्ट्रेटोस्फीयर है इसके अंदर पूरी की पूरी एक लेयर है। वो क्या करती है, जो भी हार्मफुल गैसेस आएंगी, हार्मफुल रेडिएशन आएंगी, सॉरी, उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक, हार्मफुल रेडिएशन लाइक यूवी रेज, ये क्या कर देती है, ये कैंसर भी कर देती है। तो कैंसर आप देख लीजिए कितनी भयंकर एक बीमारी आपने सुना होगा। ठीक, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर क्या है सर जी, मीजोस्फीयर देखो क्या, जो 50 to 80 किलोमीटर तक क्या है, मीजोस्फियर। ठीक, ये बात हमने देख ली। फिर इसके बाद क्या, मीटियोराइट्स बर्न्स अप इन दिस लेयर। देखिए, जो मीटियोराइट्स होंगे, मैंने मीटियोराइट्स आपको पढ़ा रखा है 6th क्लास में कि क्या होते हैं मीटियोराइट्स, तो आप एक बार जाके, अगर आपको नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, देखिए थोड़ी सी मेरी टंग स्लिप हो रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलिए, कोई नहीं है, तो माइनर इशू है, अगर कोई मेजर इशू होता तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, वो मेरी हेडेक है। क्लियर। जो मीटियोराइट्स है वो क्या है, जैसे ये मीटियोराइट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं कहाँ से, स्पेस से। स्पेस से आते आएंगे तो ये क्या करेंगे, मीटियोराइट्स इस मीजोस्फीयर के अंदर क्या हो जाएंगे, यहां तक आते आते वो कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक इसकी क्या थी, प्रॉपर्टी थी। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, ठीक, थर्मोस्फीयर कहां तक, 82 400। क्लियर। चलिए, फिर थर्मोस्फीयर के और प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयनोस्फीयर, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है आयंस है। आयंस क्या है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि इस लेयर के अंदर क्या होते हैं, मिले पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या, ये जो आयनोस्फीयर है, जो ये आयंस है, ये किस चीज में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे किस चीज में, रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक, जो ये लेयर है, आयनोस्फीयर बोल दो,
ये क्या करती है, जो हमारी अर्थ के अंदर जो रेडियो सिग्नल्स जैसे जाएंगे तो वो क्या करेगी, जो ये आयंस है वो उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक, इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगी। क्लियर। और एक बात और देख लीजिए, देखिए यहाँ से आपको पता है कि अगर हम हाइट के ऊपर जाएंगे तो क्या करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, यहाँ तक मीजोस्फियर तक क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक, जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाएंगे, लेकिन जब हम थर्मोस्फियर में एंटर कर जाएंगे तो इसके बाद क्या करेगा, टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना, यहां से यहां तक तो क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, लेकिन यहां के बाद क्या करेगा, हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो गैसेज है वो क्या करती है, कुछ हार्मफुल गैसेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, जो हीट वेव्स आ रही है उसको क्या कर देती है, एटमोसफियर रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन इस लेयर तक आते आते वो गैसेस क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हाइट के ऊपर जाएंगे तो क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्लियर। फिर लास्ट जो हमारी लेयर है वो क्या है, एक्सोस्फियर। अब एक्सोस्फियर क्या है सर जी, एक्सोस्फियर वो लेयर है जो हमारी अर्थ को आउटर स्फीयर सॉरी आउटर स्पेस से जो कनेक्ट करती है वो क्या है, एक्सोस्फियर। क्लियर। वो क्या, एक्सोस्फियर। इसके अंदर क्या है, जो रॉकेट स्पेसशिप्स जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो इस लेयर के अंदर छोड़े जाते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। क्लियर। जो अपर मोस्ट लेयर है, ओके सर, वेरी थिन एंड H2 मीन्स हाइड्रोजन एंड HE मीन्स हीलियम फ्लोट इनटू स्पेस। देखिए जो हमारी गैसेज है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, वो बिल्कुल लाइट गैसेस होती है, उससे हल्की कोई गैस है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, बिल्कुल ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इस रीजन के अंदर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इस रीजन के अंदर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो जो यहां से क्या करेगी, वो इतनी लाइट है कि वो क्या कर देंगी, आउटर स्पेस के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है, कई बार यहाँ स्पेस के अंदर भी आ जाएंगी। ठीक, चलिए, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं, फिर सुबह सुबह। फिर आपका अगला टॉपिक जो होगा वो होगा वेदर एंड क्लाइमेट, फिर उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे कि किस वजह से जो वेदर है वो चेंज होगा, क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।